क्या आप जानते हैं साउट एट और साउट टू में क्या फर्क है, यानी कब आपको बोलना चाहिए साउट टू और साउट एट। ये बहुत बारीकी बात है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते हैं और साउट के साथ एट या टू का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साउट के साथ टू या एट क्यों बोले। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि साउट का मीनिंग होता है चीखना या चिल्लाना और इस वर्ड से दो सेंस निकलता है। यानी चीखने या चिल्लाने के लिए वर्ड साउट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं और गुस्से में हम उस पर चीखते हैं या चिल्लाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वर्ड साउट का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम इसलिए चीख या चिल्ला रहे हों कि दूर खड़ा आदमी मुझको सुन ले। यानी कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई आदमी दूर खड़ा है और आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं या आवाज देते हैं ताकि वह आदमी आपको सुन सके। तो इसी डिफरेंसेस को बताने के लिए हम साउट के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो साउट को बिना प्रेपोजिशन के लिख सकते हैं, लेकिन तब ये सेंस जाहिर नहीं होगा कि आपने कैसे चीखा, यानी आप किसी पर गुस्सा दिखाए या फिर आप इसलिए चीखे ताकि कोई आपको सुन सके। तो आइए फ्रेंड सीखे कि किस कंडीशन में आपको साउट के साथ एट बोलना है और साउट के साथ टू का इस्तेमाल करना है। साउट के साथ हम एट का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम किसी के ऊपर चीखे या चिल्लाएं, यानी जब हम अपने गुस्से को जाहिर करें, तो वहां पर हम साउट के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, मेहरबानी करके शांत हो जाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज डोंट साउट एट मी, काम डाउन। यानी मेहरबानी करके मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, शांत हो जाओ। अगर आपको कहना हो मेरा बॉस अक्सर मुझ पर चिल्लाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई बॉस ऑफन साउट्स एट मी, यानी मेरा बॉस अक्सर मुझ पर चिल्लाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वर्ड साउट के साथ एट का इस्तेमाल मैंने तब किया जब एक आदमी दूसरे के ऊपर गुस्सा जाहिर करे या गुस्सा दिखाने के लिए कोई चीखे या चिल्लाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चिल्ला रहे हैं या चीख रहे हैं ताकि दूर खड़ा आदमी आपको सुन ले, तो यहाँ पर आप साउट के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। वह खिड़की से मुझे चिल्लाई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी साउटेड टू मी फ्रॉम विंडो, यानी वह खिड़की से मुझे चिल्लाई। यहाँ आपने देखा कि मैंने साउट के साथ बोला टू, क्योंकि यहाँ चिल्लाने का मकसद किसी दूर खड़े आदमी को अपनी बात सुनाना है, न कि किसी के ऊपर गुस्सा उतारना। अगर आपको कहना हो मैंने उन लोगों को चिल्लाया लेकिन वे लोग मुझको नहीं सुने, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I shouted to them but they didn't listen to me, यानी मैं उन लोगों को चीखा या मैं उन लोगों को चिल्लाया लेकिन वो लोग मुझको नहीं सुने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ साउट के बाद मैंने बोला टू, क्योंकि यहाँ मेरा चिल्लाने का मतलब अपनी बात को उन लोगों को सुनाना था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि कब आपको बोलना चाहिए साउट एट और कब आपको बोलना चाहिए साउट टू। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।